T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तान की टीम ने किए हैं 3 बड़े बदलाव। 3 स्टार खिलाड़ियों की हो गई है वापसी। कौन है वो खिलाड़ी जो हुए हैं टीम में वापस और किसका कटा है टीम से पत्ता, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की मेजबानी में यूएई और ओमान में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप को अब कुछ ही दिन बच गए हैं। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम में 3 बड़े बदलाव किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में उथल पुथल की खबरें लगातार आ रही थी, अब T20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में किए गए 3 बड़े बदलाव ने इसको पुख्ता कर दिया है। नए अध्यक्ष रमीज राजा ने पहले ही टीम में बदलाव के संकेत दिए थे। शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट के ट्विटर हैंडल के जरिए चुनी गई टीम में 3 बड़े बदलाव की खबर सामने आई है। टीम में पूर्व कप्तान सरफराज अहमद की वापसी हुई है। कप्तानी से हटाए जाने के बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद और धुरंधर बल्लेबाज फकर जमा को टीम में जगह दी गई है। शुक्रवार को पाकिस्तान की टीम में किए गए 3 बड़े बदलाव की जानकारी साझा की गई है। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ICC T20 विश्व कप का आयोजन किया जाना है। विश्व कप खेलने वाली टीम में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पूर्व कप्तान सरफराज अहमद के साथ अनुभवी फकर जमा और हैदर अली को टीम में जगह दी गई है। आजम खान, खुजिल शाह और मोहम्मद हसनैन को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि पहले ये भी खबरें आ रही थी कि मोहम्मद आमिर को भी टीम में शामिल किया जा सकता है और उनका अनुभव पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत काम आएगा, लेकिन सेलेक्टर्स ने फिर से एक बार मोहम्मद आमिर को T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं दी है। साथ ही दोस्तों इस पर आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।